भारत में सूखा है लेकिन इंडिया बेखबर है, ये कहानी इस साल पिछले कई महीनों से दोहराई जा रही है। देश के कोने कोने से सूखे और किसानों की बदहाली की खबर आ रही है, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। बुंदेलखंड के हमारे सर्वे में तो हमने देखा कि लोग भुखमरी की कगार पे हैं, भुखमरी की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकारें खेल खेल रही हैं, मीडिया में कहीं दिखाई नहीं देती। चेन्नई में बाढ़ आती है उसकी मीडिया में खबर आती है, लेकिन देश के कोई 40% लोग इस वक्त सूखे के शिकार हैं, उनकी क्या हालत है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, खाने की क्या स्थिति है, पशुओं की क्या स्थिति है, इस पर मीडिया में खबर नहीं आती। थोड़ी सी खबर आई थी कि कुछ लोग घास की रोटी खा रहे हैं, बस उसकी खबर आई थी और कोई खबर नहीं आती। ऐसे में सरकारें एक दूसरे के साथ खो खो खेल रही हैं। केंद्र सरकार कह रही है हमने तो सर्कुलर इशू कर दिए, हमने अपना काम कर दिया। राज्य सरकारें कह रही हैं हमने केंद्र सरकार से पैसा मांगा है, जब आएगा तब कुछ करेंगे। किसी को चिंता नहीं है। स्वराज अभियान की तरफ से हमने शुरू से पहले दिन से इस मामले को उठाया। 30 सितंबर को मानसून खत्म होता है, 2 अक्टूबर से हमने अपनी संवेदना यात्रा शुरू की, कर्नाटका से ले कर हरियाणा तक आए, सूखा प्रभावित सभी इलाकों की यात्रा की, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, जिसने बुलाया उससे मिलके भी आए, हर तरफ से दबाव बनाया, देश की आत्मा पे दस्तक दी, मुख्यमंत्रियों के दरवाजे पे दस्तक दी, और अब स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी दस्तक दी है। प्रशांत भूषण जी किसानों के सूखे की स्थिति के मामले को लेके 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जो आखिरी दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, राज्यों को नोटिस जारी कर दिए थे। 4 जनवरी को मामला एक कदम आगे और बढ़ा है। राज्य सरकारों ने कहा कि अभी उन्हें वक्त चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बस 10 दिन आपको और दिया जाएगा, और उनसे सवाल पूछे हैं कि भाई आपका ही, सरकार का ही एक मैनुअल है, एक किताब है कि ड्राउट में क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने अपनी किताब को लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने रोजगार देने के लिए क्या किया, आपने लोगों को न्यूनतम खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया, आपने इस सूखे की स्थिति में लोगों के लिए क्या किया, ये भी पूछा है कि लोगों को 2 किलो अनाज के साथ साथ 2 किलो दाल उपलब्ध ना करवाई जाए, बच्चों को मिड डे मील के अंदर अंडा ही दिलवा दिया जाए, क्या क्या किया जा सकता है लोगों की भुखमरी को दूर करने के लिए, और इस सूखा कहीं अकाल में ना बदल जाए, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। 10 दिन का वक्त दिया है, 18 जनवरी को दोबारा बुलाया है, तब राज्यों से जवाब तलब होगा, और उम्मीद करते हैं कि सूखे के सवाल पे देश को, देश के किसान को, मजदूर को कम से कम कुछ तो न्याय मिलेगा। सड़क का, मीडिया का और न्यायालय का, तीनों तरह का संघर्ष स्वराज अभियान जारी रखेगा।